स्मार्ट डिवाइसेज में स्मार्ट वॉच काफी ट्रेंडिंग में, काफी सारे न्यू ब्रांड्स जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी सारे न्यू वॉचेस लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में अनाउंस हो चुका है Huawei का वॉच GT2 जो काफी बेहतरीन डिवाइस होने वाला है उस प्राइस रेंज में। इस वीडियो में बात करेंगे उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन, उसकी प्राइसिंग और ऑल्सो उसको कंपेयर करेंगे एप्पल वॉच सीरीज 5 के साथ। सो इस वीडियो पे आप एंड तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं दोनों ही वॉचेस के कंपैरिजन में। सबसे पहले हम बात करेंगे Huawei Watch GT2 जिसको हम रखते हैं इस तरफ में, और सेकंडली हम बात करेंगे Apple Watch Series 5 के बारे में जिसको हम रखते हैं इस साइड में। प्राइस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्राइस है Apple Watch Series 5 का, विच इज 60,000 इस तरफ में, इस तरफ को मिलता है 20,000, तो तीन गुना फर्क है प्राइसिंग में, पर तीन गुना में आपको काफी सारे एड ऑन चीजें भी मिलती हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले में आपको Huawei मिलेगा 1.39 इंचेस का सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले विथ रेजोल्यूशन ऑफ 454x454। इस तरह को मिलेगा 1.78 इंचेस का ओलेड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले विथ रेजोल्यूशन ऑफ 448x360 रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन में काफी बेहतरीन है Huawei वॉच। दोनों में ही आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील फ्रेम और सिरामिक पैड देखने को मिल जाएगा। Huawei में आपको कैपेसिटिव टच स्क्रीन है और इस तरह आपको 3D टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिलता है Huawei में किरिन A1 का प्रोसेसर, सेकेंडली आपको मिलता है ड्यूल कोर का प्रोसेसर। रोम की बात करें तो आपको 4GB का रोम मिलता है Huawei के वॉच में, और इधर आपको मिलता है 32GB का रोम। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट है, इसमें ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है। बैटरी की बात करें तो आपको मिलता है Huawei में 455mAh की बैटरी, और इधर आपको मिलता है 296mAh की बैटरी। कुछ चीज़ें ऐड ऑन है एप्पल में आपको सिम सपोर्ट है, ई सिम, काफ़ी छोटा सिम जो होता है वो सपोर्ट करता है वो, साथ ही साथ इसमें आपको LTE सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप कॉलिंग भी कर सकते हो, नेट ब्राउज भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये। साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है वाईफाई जो आपको Huawei के वॉच में नहीं मिल पाता, तो वाईफाई सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे और चीज़ें जैसे एक्सेलेरोमीटर, गायरोमीटर, वो आपको दोनों ही वॉचेस में देखने को मिल जाता है। सो दोनों ही काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है, बट प्राइस का मेजर डिफरेंस है 40,000 रुपये का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली अगर आप ये दो में कंपेयर करें तो आपको जाना चाहिए Huawei Watch GT2 के साथ, क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेटर वॉच है कम्पेयर टू एप्पल। अगर आपको फ़ोन करना है आपको वॉच से ही, तो ही आप जाइए एप्पल के साथ, नहीं तो आप स्टिक रह सकते Huawei के वॉच के साथ। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू लॉट। We'll be right back.